तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है इस सुंदर से नज़ारे के साथ। सबसे पहले मैं सौरभ नेगी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस नए व्लॉग में। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से जाहिर है कि मैं जा रहा हूँ अग्निवीर की पहली भर्ती और अपनी ज़िंदगी की लास्ट भर्ती मारने कोटद्वार, जहाँ पर कि अग्निवीर की ये रैली आयोजित की गई है। जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे, पहला श्रीनगर पौड़ी सतपुली होते हुए कोटद्वार और दूसरा नौटी नंदासैन पैठाणी पाबू सतपुली होते हुए कोटद्वार। और यहाँ पर हम चुनते हैं दूसरे रास्ते को, जो कि मुझे लगता है हमारे इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसका अंदाज़ा आप इसी नज़ारे को देख के लगा सकते हैं। इस गांव का नाम है पिंगाँव, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी सुंदरता का जिक्र शब्दों में कर पाना मुश्किल है। ऐसी सुंदरता का जिक्र अक्सर हमें बॉलीवुड फिल्मों में कश्मीर के बारे में देखने के लिए मिलता है। अपना उत्तराखंड किसी कश्मीर से कम सुंदर नहीं है, कमी है तो बस केवल एक्सप्लोर करने की। और कोटद्वार के अपनी स्ट्रिप में हम पहुंच गए हैं गांव बिसौना में, जो कि इस रास्ते का चमोली का आखिरी गांव होगा। बरसात का मौसम है और ऐसे में जल के ऐसे स्रोत मिलना स्वाभाविक है, लेकिन केवल उत्तराखंड में। और यहां पर से ये रोड कटती है गांव बिसौना के लिए, जो कि ऊपर कहीं है। वो जो ऊपर गांव दिखाई दे रहा है, इसी गांव का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन अक्सर जो चीज़ें जितनी सुंदर होती हैं उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। यहाँ की औरतें गाय भैंस के चारे के लिए अक्सर इन पहाड़ों पर चढ़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। खैर, आप मज़ा लीजिए इस नज़ारे का और हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें तो पहुँचना है कोटद्वार, वो भी टाइम पर, क्योंकि आज है 18 अगस्त और आज ही रात को हमें भर्ती की लाइन में लगना है। वो हम कितने बजे लगेंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इस रूट पर गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता है। गांव वाले इसी रास्ते से अपनी गाय भैंसों को जंगल को ले जाते हैं। हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले हम इन्हें जाने देते हैं, फिर रास्ता देखकर हम साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं। चल आराम से। और अभी हम पौड़ी जिले में एंटर हो गए हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले हमें दिखाई देती है ये सुंदर सी गौशालाएं। ये पुल जो कि देखने में बहुत पुराना लगता है, लेकिन मजबूत है भाई। लोग रास्ता ही नहीं है, रोड नहीं है भाई, गदरे में। चल 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 चल। ओ दिख गई रोड। अब आपको ज्यादा ना पकाते हुए हम डायरेक्ट पहुंच गए कोटद्वार। अभी हम ना धो लिए हैं और अब आ रखे हैं हम मार्केट घूमने। और अभी हमें मालूम पड़ता है कि यहीं कहीं पर उर्वशी रौतेला का घर भी है। ये सुनते ही सब कुछ भूलकर मैं तो निकला उर्वशी रौतेला को ढूंढने। और अभी आए थे हम कोटद्वार घूमने और भैया जी ने लगा दिया जाम। ये देखो जी लंबा चौड़ा जाम है, ये वाले भाई को डब्बू भाई चचा फंस गए हैं रोड बस वाले, उसके बाद रोडवेज वाले, उसके बाद पीछे एक और बस है। और हमारी पसीने से हालत खराब है, पसीने से बिल्कुल तर। बस 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 बस। लो जी लो जी लो जी, आगे भी गाड़ी चिपक गई है, पीछे भी गाड़ी चिपक गई है, दिखाता हूँ कितनी चिपकी है। ये देखो बिल्कुल, ये भी हमने पीछे की है, फंस गए। जाम से निकलने के बाद अभी ध्यान आया है कि कटिंग भी करवानी है, तो पहले कटिंग करवा लेते हैं, वरना ऐसी कंडीशन में अंदर जाके फौजी बहुत मारेंगे और मैं मार तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता। तो लो जी कटिंग भी हो गई है, तो चलिए जी अब चलते हैं कमरे पे और खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। मम्मी के कहने पे ये ले आया हूँ मैं वोलिनी का स्प्रे, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे बैक में काफ़ी तेज़ पेन हो रहा था। लो जी कमरे पे आकर तुम्हारे भाई ने दाल चावल भी बना लिया है, अब बारी है खाने की और उसके बाद सोना है। रात्रि दोस्तों,
गाइस रात के 2 बज रहे हैं, हम जूते पहन रहे हैं और आखिरकार 3 बजे जाकर हम वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़के पिछली शाम 6-7-8 बजे से बैठे हुए हैं। जिस भाई की ये पहली भर्ती है उसके लिए एक टिप है कि यहाँ पर लाइन पर जाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है 2-3 बजे का, ज़्यादा जल्दी जाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो भाई लोग सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब भूख लगना शुरू हो गया है, लेकिन मैं साथ में कुछ ले ही नहीं गया हूँ। हाइट और एडमिट कार्ड चेक होने के बाद अब हम वेट कर रहे हैं ग्राउंड में जाने का जहाँ पर कि रेस स्टार्ट होगी। और अभी खबर मिली कि दौड़ शुरू हो गई है, अभी तक टोटल 4 ग्रुपों को दौड़ा दिया गया है और प्रत्येक ग्रुप में 300 लड़कों को शामिल किया गया है, जिसमें से हर एक ग्रुप में केवल 7, 8, 9 बच्चों को चुना जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और रेस निकालना बहुत टफ। और फाइनली गाइस वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी तरह ही ये सभी भाई लोग दौड़ में बाहर हो गए हैं। इन सभी हताश और निराश भाइयों के बीच एक मैं ही हूँ जो निराश नहीं है। मुझे दुख है तो इस बात का कि इस बार बहुत से बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। ये मेरी चौथी भर्ती थी और अभी तक की सबसे टफ भर्ती है। वक्त आ गया है गाइस, अभी नहीं पढ़ रहे हो अपनी जान देने का। मजाक से हट के मेरा उन सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है जो कि दौड़ में बाहर हो गए हैं, ऐसा कोई भी ख्याल अपने मन में ना आने दें। जिंदगी रही तो ऐसे और मौके भी मिलते रहेंगे। गर्मी, ये मेहनत का पसीना नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये गर्मी का पसीना है। मेहनत की रहती तो शायद अभी कहीं और रहते, मेहनत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन तुम लोग कर लो अगर करना चाहते हो, मेरी तरह नहीं करना चाहते हो मत करो, ऐसे ही रहो। बाकी कब ट्रेन आए क्या आए पता नहीं, आई डोंट नो। बस भाई यही था भर्ती का, अब जाते हैं नहाते हैं, पसीने से थोड़ा वैसे ना आ गया, थोड़ा वो नहाते हैं, मिलते हैं। तन तन घुड़वार आए या ना आए तो क्या है, और रेस नहीं निकाल पाने का गम कुछ इस तरह यहाँ पे बब बहाया जाएगा, इस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत गर्म हो गया पसीना पसीना, अब थोड़ा ठंडा हो लिया जाए। तो चलिए जी, दिल दिमाग शरीर सब कुछ ठंडा करके अब चलते हैं पेट पूजा करने। तो भाई लोग भर्ती में अगर कोटद्वार आते तो एक बड़ी दिक्कत होगी खाने की, ऐसे गढ़वाली ढाबा नाम से आपको कुछ जगह मिल जाएंगी जहाँ पे लिखा होगा गढ़वाली ढाबा, लेकिन आप सच में अगर गढ़वाली खाना खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खोजना पड़ेगा। एक गढ़वाली ढाबा केवल नाम है, केवल गढ़वाली, हम गढ़वाली लोगों को दिखाने के लिए, एक्चुअली मैं गढ़वाली ढाबा नहीं होगा। खाना है तो ऐसे किस ढाबे में पहचान के खाइए, गढ़वाली आदमी पहचाना जाता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अभी हम पहुँच गए हैं पौड़ी, और इस बार का हमारा वापसी का रूट होगा पौड़ी, श्रीनगर और कर्णप्रयाग। अब फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रह गई है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब आपको डायरेक्ट मिलता हूँ कर्णप्रयाग में। तो भाई लोग पहुँच गए हैं हम अपने घर कर्णप्रयाग, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।